नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या अपने YouTube चैनल संध्या द सेफ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ वेज मैगी कबाब। क्रिस्पी है ये, इसके बाद मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये हेल्दी कबाब बनाने के लिए हम ले रहे हैं पनीर। हम पनीर को घिस लेंगे। तो देखिए, हमने पनीर घिस लिया है और अब हम डालेंगे इसमें वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स डालने के लिए हम ले रहे हैं एक खाली बाउल। तो देखिए, हम डाल रहे हैं इसमें पत्ता गोभी, ये मैंने बारीक कट कर लिया है, आप भी कट कर लीजिए। उसके बाद मैं डालूंगी घिसे हुए गाजर, ये मैंने एक गाजर लिया है, आप अपना क्वांटिटी का हिसाब रख लीजिएगा। फिर मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। फिर मैं डाल रही हूँ दो बारीक कटी हुई प्याज। फिर डालेंगे हम चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च। फिर डालेंगे हम दो बड़े चम्मच मटर, मैश किए हुए दो आलू हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक चम्मच भुना हुआ कबाब पाउडर है ये, आप ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए और नहीं तो आप भुना हुआ धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। दो चुटकी ब्लैक पेपर, वन स्पून रेड चिली, वन स्पून चाट मसाला, वन स्पून पाव भाजी मसाला। मैं पाव भाजी मसाला इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पाव भाजी मसाले में सब कुछ मसाले होते हैं जो फ्लेवर बहुत अच्छा देता है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम घिसा हुआ पनीर डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसके बाद टेस्ट अनुसार नमक, उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें दो बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स, इससे कबाब में बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, मैं इसमें पूरा एक लेमन जूस डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया। देखिए, उसके बाद मैंने लिया कुछ आइसक्रीम स्पून है, इसमें लगा के हम रेडी करेंगे अपने कबाब। आप चाहें तो स्टिक भी रख सकते हैं। देखिए, हाथों पे इस तरह लेके उसके बाद हम स्पून को ऐसे रखेंगे और उसके बाद ऐसे रोल करते हुए हम अपने कबाब। उसके बाद हम एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कप मैदा। आधे कप मैदे में हम एक कप पानी डालेंगे। उसके बाद टेस्ट अनुसार नमक, उसके बाद थोड़े से रेड चिली, फिर आधा स्पून चाट मसाला, फिर आधा स्पून कबाब पाउडर।
इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। चाहिए देखिए, ना बहुत थिक होना चाहिए ना बहुत पतला होना चाहिए। उसके बाद हम इसको साइड रखते हैं और हम लेंगे एक प्लेट। उसके बाद देखिए हम इसमें अपना एक एक कबाब डुबाएंगे। बाद हम ले रहे हैं ब्रेड क्रम्स। उसके बाद देखिए इसमें हम डुबा के ब्रेड क्रम्स में लपेट। उसके बाद हम इसको एक साइड रखते जाएंगे। देखिए मैं एक बार और दिखा देती हूँ, हम इसको इसमें ऐसे डुबाएंगे, निकालेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स और हम इस पर इसको अच्छे से कोटिंग कर देंगे। और उसके बाद हम रखेंगे इसको ऐसे। मैं बता दूं कि इस कबाब में थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है, तो मैं अब दिखाती हूँ अपना अगला प्रोसेस। उसके बाद देखिए मैं ले रही हूँ मैगी। ये मैगी को मैंने हाफ बॉइल्ड कर लिया था और मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद देखिए हम हाथ पे मैगी को ऐसे फैला लेंगे और उसके ऊपर हम अपना कबाब रखेंगे। उसके बाद हम इस मैगी से इसको रोल बनाते हुए इसी तरह हम सारे कबाब को बना के रेडी कर लेंगे। देखिए मैगी लगा के हम एक एक करके बना के रख लेंगे अपना सारा। उसके बाद चलिए हम गैस पे अपना ऑयल चढ़ा देते हैं ताकि हम इसको फ्राई कर सकें। देखिए ये बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद हम इसको सर्व कर लेते हैं थोड़ी सी सैलेड के साथ। उसके बाद टमाटो केचप या फिर मायोनीज भी आप ले सकते हैं या इसके साथ कोई भी क्रीम चीज के साथ खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है ये, आवाज़ आ रहा है। उसके बाद रेडी है हमारा मैगी वेज कबाब। मैं आपको आवाज़ सुना सकती हूँ कितना क्रिस्पी है ये। उसके बाद मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग का कैसा बना था कबाब। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आप ट्राई करिए इस टेस्टी।